सवाल पूछना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि सरदार पटेल हमारे थे, तो स्टैट्यूट ऑफ यूनिटी बनाने का आपको क्या अधिकार है? आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आजकल राहुल गांधी जी हर मंदिर जा रहे हैं, कहीं अपने को शिव भक्त, कहीं अपने को राम भक्त कह रहे हैं, और वहीं उनके एक वरिष्ठ नेता चिदंबरम जी ने कहा है कि जब कुछ विकास नहीं हुआ तो अब फिर मंदिर की बात हो रही है और बड़े बड़े जायंट स्टैचूट की बात हो रही है। श्री चिदंबरम मंदिर पर भी व्यंग कर रहे हैं और बड़ी मूर्ति पर भी व्यंग कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उनका संकेत राम मंदिर के बारे में है और सरदार पटेल जी की बहुत प्रभावी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैट्यूट ऑफ यूनिटी के बारे में है। राहुल गांधी ये बताएं कि क्या आपके बड़े नेता को मंदिर और सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में व्यंग करने का अधिकार है? यही सम्मान करते हैं सरदार पटेल का आप? जिस सरदार पटेल ने देश को एक किया, जिस सरदार पटेल को पूरे कांग्रेस के 50-60 के कार्यकाल में भुलाया गया, जो सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको मिला भारत रत्न 1991 में जब परिवार से बाहर नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। आज मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है, दुनिया को गर्व है, भारतीयों को, कि मोदी जी की अगुवाई में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत के इस महान एक सूत्र में भाग जोड़ने वाले सरदार पटेल के लिए बनी है। तो मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी मंदिर जाने का स्वांग बंद करें और उनके बड़े नेता मंदिर पर बड़े बड़े व्यंग करें, ये नहीं चलेगा। और सरदार पटेल जी के बारे में जो चिदंबरम की टिप्पणी है वो बहुत ही शर्मनाक है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा सोनिया जी और राहुल गांधी इसके लिए खेद प्रकट करेंगे, ये हमारी अपेक्षा अवश्य है। ये देश को बताना जरूरी है कि परिवार यानी इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, संजय गांधी के नाम से भारत में 11 भारत सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं 52 है, 52। उसके बाद जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हैं वो 28 हैं, स्टेडियम 19 हैं, एयरपोर्ट 5 हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 10 हैं, अवार्ड 17 हैं। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी के नाम पर सैकड़ों चल सकते हैं और एक सरदार पटेल की बड़ी मूर्ति बनती है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, तो उस पर इतनी बड़ी टिप्पणी। मैं समझता हूं कि सरदार पटेल का इससे अधिक बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता है। अब उनके नेता खड़गे साहब उससे भी आगे चले गए हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को वो हिटलर बता रहे हैं। मैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हिटलर की भाषा इंदिरा गांधी बोलती थी इमरजेंसी के समय में, अब खड़गे साहब बोल रहे हैं। जो खड़गे साहब परिवार की अनुमति के बिना अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते राजनीति का, वो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रकार से चलते हैं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार। तो ये कांग्रेस की हताशा है, मैं समझता हूं। हार सामने दिखाई पड़ती है तो हताशा बार बार आती है। खड़गे जी, आप पुराने कांग्रेसी हैं, आलोचना करिए, लेकिन आप सदन में बार बार मर्यादा की बात करते हैं, तो आपने किस मर्यादा का पालन किया है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की ओछी टिप्पणी करके? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, ये भर्त्सना योग्य है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। टुडे